तेज ध्वनि वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई, वाहन में कम ध्वनि वाले लगाएं हॉर्न। परिवहन प्रशासन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी कि आज से तेज दौड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी और इसका पालन न करने वाले लोगों पर भी कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विगत कुछ दिनों में लगातार इस बात की शिकायत जनता के द्वारा की जाती रही है कि जो हमारे टू व्हीलर्स चल रहे हैं उनमें खास तौर पर जो बुलेट चलती है उसमें एक अलग से साइलेंसर लोगों के द्वारा जो प्रयोग करता है वो उनके द्वारा लगा लिया जाता है या लगवा लिया जाता है और एक भयानक किस्म की आवाज़ उससे फटफट की निकलती है जिससे न केवल बच्चे, बूढ़े और जो हृदय रोग के ग्रसित व्यक्ति हैं वो दुष्प्रभावित होते हैं बल्कि आम जनमानस भी जो सड़कों पर चलता है उससे दुष्प्रभावित होता है। इसका निदान करने के लिए आज जितने भी हमारे ऑटो डीलर बंधु हैं उन सबकी यहाँ पर एक गोष्ठी की गई, उन लोगों से वार्ता की गई और वार्ता के क्रम में कि इनका हम लोग निराकरण कैसे कर सकते हैं उन्हीं बातों पर आज बैठक में निर्णय किया गया है और उस निर्णय के क्रम में आगे हम लोग अग्रेतर कार्रवाई अमल में लाएंगे और इस तरह के जो अवैधानिक तरीके से साइलेंसर लगा करके, एक्स्ट्रा साइलेंसर लगा करके जो वाहन चल रहे हैं उन वाहनों पर हम लोग नियंत्रण स्थापित करेंगे। हमने जो आज बैठक बुलाई है उस बैठक को बुलाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जनपद में जो बुलेट बाइक है, बुलेट बाइक में जो कंपनी साइलेंसर देती है उस साइलेंसर को बदल करके अपनी तरफ से जो भी लोकल साइलेंसर लगावा करके जो बुलेट राइडर्स होते हैं वो स्कूल के रास्ते से या अस्पतालों के बगल से या मुख्य मेन चौराहे से निकलते हैं तो जो नई एज के लोग, छोटे बच्चे होते हैं या अधिक एज के लोग होते हैं उनको डिसकम्फर्ट महसूस फील होता है, परेशानी होती है क्योंकि इनका जो शोर होता है वो 80 से ऊपर होता है, जो निर्धारित मानक डेसिबल होता है उससे ऊपर होता है जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। तो आज हमारे जनपद के समस्त जितने भी टू व्हीलर्स ऑटोमोबाइल डीलर्स और उनके वर्कशॉप के संचालकों को हमने आमंत्रित किया है और उनसे सभी को उनके स्तर से ये हमने उनसे अनुरोध किया है कि जनपद में जो भी टू व्हीलर्स बाइक खरीदने आते हैं, आपसे परचेज करते हैं या सर्विस कराने आते हैं तो परचेज करने से पहले उनको ये कंडीशन, उसको शर्त निर्धारित करें कि जो भी बाइक खरीदेंगे उस बाइक में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन, विशेषकर जो साइलेंसर होता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि ज़्यादातर लोग कंपनी द्वारा दिए गए साइलेंसर को निकलवा करके लोकल साइलेंसर लगा करके और गलियों से, मेन चौराहों से भयानक आवाज़ करते हुए निकल जाते हैं जिसका सीधा लोगों पर के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है कि ये मानक स्तर से ध्वनि पैदा करते हैं। तो अभी शासन द्वारा किस तरह के आदेश आए हैं, किस तरह रोकथाम करने के लिए पुलिस प्रशासन भी इसमें क्या अमल करेगा, चालान काटने की कार्रवाई भी एक इसमें मामला है। तो बुलेट में ये साइलेंस को परिवर्तन को लेकर के हाईकोर्ट में रिट दायर की गई है और उसकी तरफ से नोटिस आए हैं और शासन आदेश एक पारित हुआ है जिसके अंतर्गत हम अनुपालन में हमने आज डीलरों की बैठक बुलाई है कि जो भी बुलेट में साइलेंसर को लेकर जो भी परिवर्तन किए जा रहे हैं उस परिवर्तन पर रोक लगाई जाए, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और जो भी उनके विरुद्ध जुर्माना है जुर्माना लगाया जाए। तो हमारे जनपद में 28 तारीख से लेकर के और लगातार इसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, तत्काल कार्रवाई की जा रही है। तो हमने आज जनपद के जितने भी टू व्हीलर्स ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं उन वर्कशॉप के संचालकों को बुला करके उनसे सभी से ये अनुरोध किया है कि वे अपने स्तर से जो भी कार्रवाई सुनिश्चित हो उसको कार्रवाई सुनिश्चित करें। जो भी लोग ये टू व्हीलर्स उसमें विशेषकर जो बुलेट बाइक खरीदने आते परचेज करते हैं उनके साथ ये शर्त रखें कि जो हमारा जो एक्ट है 1988 उसके अंतर्गत एक सेक्शन है धारा 52, उसमें ये लिखा गया है कि ओनर जो है वाहन मालिक है वो अपने वाहन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा जो भी मैन्युफैक्चरर उसे स्पेसिफाइड करता है जो उसी तरह संरचना से भिन्न हो, इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इस तरह से अगर कोई परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ तात्कालिक रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और ये सभी डीलरों के माध्यम से और वर्षों संचालकों के माध्यम से लोगों को इसके संबंध में जागरूक करने के लिए भी हमने अनुरोध किया है कि वे अपने स्तर से लोगों से ज़्यादा लोगों को जब भी बाइक परचेज करने आते हैं या सर्विस कराने आते हैं तो लोगों से समझाएंगे, उनको उनके अभिभावकों को भी मैसेज किया जाएगा कि वे अपने बच्चों को बाइक दिलाते समय उनको समझाएंगे कि कम से कम जो नई एज के लोग होते हैं
जो जिनको लाइसेंस जिनके लिए नहीं है, 18 से जो नाबालिग होते हैं, 18 से कम उम्र के लोग होते हैं, उनको बाइक ना दिलाएं। अगर केवल जो बालिग होते हैं उनको बाइक दिलाएं, अगर बाइक दिलाते हैं तो उनको नियमों के बारे में उनको समझाएं, जागरूक करें कि ये जो भी बाइक आप चला रहे हैं इनको चलाते समय क्या क्या आपको नियमों का पालन करना है, यातायात सुरक्षा के नियमों का पालन करना है, और विशेषकर साइलेंसर को लेकर के इसमें जो ध्वनि प्रदूषण के स्तर को बढ़ावा दे रहा है इसमें किसी रोकथाम